नमस्कार। एक्स है आज, एक्स एक्स वो नहीं जो आप जानते हो और जो सोचते हो। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स फैक्टर। ओके, एक्स फैक्टर मतलब क्या? आपके अंदर कुछ तो ऐसा खास होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप लाइफ में औरों के आगे बढ़ सके, दूसरों से आगे दौड़ सके, उड़ान भर सके। तो एक्स फैक्टर होता क्या है, ये आज हम बात करेंगे। टुडेज निमोनिक इज एक्स एफ ए सी टी ओ आर। ओके, फटाफट। और सॉरी अगर थोड़ा सा डाउन दिख रहा हो तो बुखार है, बट कमिटमेंट छोड़ा नहीं है। 100% रोज एक वीडियो जाने वाला है, तो ये भी आपके लिए प्रस्तुत है। सो एक्स से एक्स्ट्रा जोश। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना, आप देखो जितने भी अमेजिंग परफॉर्मेंस है अपने अपने फील्ड के, जो बाप दादा लोग हैं वो लोगों में बहुत जोश होता है। जोश से भरा बात करते हैं, जोश से हर काम करते हैं। थकान नाम की चीज उनको पता ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको अपने काम से प्यार है। सो मैं बार बार कहता हूँ, लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव, बट संभाल के एक्स्ट्रा जोश रखना है। बट डोंट बर्न योर सेल्फ आउट। बर्न आउट करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये वीडियो होने के बाद भी मैं तुरंत आराम करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। देन एफ, फायर इन द बेली। फायर इन द बेली, अगर आपको लाइफ में महान काम करने, अपने आप को डिस्कवर करना है, देन यू नीड टू हैव फायर इन द बेली। मतलब आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। वो रंग दे बसंती में गाना था, उसमें कि आग है मुझ में कहीं हुई सुबह, मैं चल गया सूरज को मैं निगल गया। ये आप भी कर सकते हैं, ये बहुत लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर का ए, ऑलवेज अलर्ट। ऑलवेज अलर्ट, वो कोई एक प्रोग्राम में बोलते हैं ना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। यस, आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, बट अगर आप अलर्ट नहीं होंगे, अगर आप सतर्क नहीं होंगे, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है उसकी नॉक बहुत फेंट होती है, बहुत हल्के से वो दस्तक दी है। आपको पहचानना जरूरी है, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। ओके, सो ऑलवेज अलर्ट रहिए। उसके बाद सी से क्रिएट अ लेगेसी। लेगेसी मतलब आपने ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि आपके जाने के बाद भी कई सैकड़ों साल तक लोग आपको याद करेंगे, पूजेंगे। ऐसे कई सारे लोग हमारे देश में, दुनिया में है, जिनको परलोक सिधार के कितने सारे साल हो गए, बट उनका नाम अमर है। और ये आप कब कर सकते हैं? जब आप में एक्स फैक्टर हो और आप उसको काम पे लगाओ तो। ओके, क्रिएट अ लेगेसी, अपनी छाप दुनिया पे ऐसे छोड़ जानी है। ओके, एंड टी से टेक ईच डे एज इट कम्स। बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में चिंता मत करो। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि फ्यूचर के बारे में सोचो ही मत, फ्यूचर के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन रोज का दिन, रोज टेक ईच डे। बिकॉज मैंने बहुत बार बोला वीडियो में कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, टूडे इज प्रेजेंट, इट्स अ गिफ्ट। तो आज के दिन का मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए, खुश रहिए, क्या पता कल हो ना हो। एंड देन ओ से ओरेटरी एंड अदर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, यू नीड टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। और इसमें बात करना, उसमें लिखना, उसमें ईमेल का कम्युनिकेशन, सब तरह की कम्युनिकेशन आपको परफेक्ट जमनी चाहिए। बिकॉज आज के डायनेमिक दुनिया में आप किसी भी तरीके का ऐसा कम्युनिकेशन से आप दूर नहीं हट सकते कि नहीं, मैं सिर्फ बात कर पाता हूँ, मैं बोल बच्चन हूँ, मैं लिख नहीं पाऊंगा, या मैं सिर्फ लिख पाता हूँ, पब्लिक में खड़े रह के बात करना मतलब मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती। यू विल हैव टू डू बोथ। ओके, हर तरीके से आपको कम्युनिकेट करने का होना चाहिए। ये सब कुछ प्रैक्टिस से होता है, कोई ऊपर से सीख के नहीं आता है, प्रैक्टिस से होगा। और लास्ट पॉइंट, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर से री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग क्या होता है, मैंने लिख के रखा है, इट आइडेंटिफाइज, एनालाइजेस एंड रीडिजाइंस एन ऑर्गेनाइजेशंस कोर बिजनेस प्रोसेसेस टू अचीव इंप्रूवमेंट इन क्रिटिकल परफॉर्मेंस मेजर्स सच एज कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड। मतलब क्या कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, छोड़ो ऑर्गेनाइजेशन की बात, यही प्रिंसिपल अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो आप अगर अपने कौन सी आपकी आदतें, कौन सी आपके प्रोसेस, अगर आप बदलाव लाओगे, चेंज करोगे, पूरा सिर के बल उसको उल्टा कर दोगे, तो आपके लाइफ में बहुत फायदा होगा। ये आपको ध्यान देना है, पहले एनालाइज करना है, मतलब उसका डिटेल में पढ़ा है, उसके बारे में अभ्यास करना है, फिर उससे जो सीखा वो सब रीडिजाइन करने में, अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स पे अप्लाई करना है। गलत काम कुछ नहीं करना है, लेकिन रीडिजाइनिंग करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। आई होप गाइस आपको एक्स फैक्टर का वीडियो पसंद आया। सी यू टुमारो विद माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो शेयर करें। अविरत शेट्टी आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।